हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इंडसइंड बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। हालांकि रिजल्ट्स जो थे पूरे साल भर के रिजल्ट्स थे, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो जनरली क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिएगा, इंडसइंड बैंक जो है एक प्राइवेट सेक्टर का दिग्गज बैंक है। हालांकि पिछले साल इसके शेयर प्राइस के अंदर बहुत जबरदस्त जो है गिरावट आई थी, और उसका जो मेन रीजन है वो ये था कि इसकी जो बैलेंस शीट के अंदर जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है, यानी कि जो बैड लोन्स हैं, उसके ऊपर कुछ कंसर्न्स जो है मार्केट को बने हुए थे, और इसकी जो है ग्रोथ से संबंधित जो है कुछ डाउट्स भी जो है मार्केट को हो रहे थे। और जनरली इन्होंने एक जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन, उसको टेक ओवर किया था, तो उसकी वजह से भी मार्केट के अंदर जो है एक डर का भाव था। और इसके शेयर प्राइस के अंदर भी अगर आप ऊपर के प्राइस से देखेंगे तो करीबन 65-70% तक के जो डिक्लाइन है वो देखे गए थे। तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स को जो है ऐसा अनुभव था कि करीबन 350 करोड़ के जो है आसपास के प्रॉफिट्स आएंगे। हालांकि जो प्रॉफिट्स हैं उन लिमिट पे तो नहीं आए हैं, उन उम्मीदों पे तो नहीं आए हैं, तो उससे जरा से कम है, थोड़े से कम है। तो प्रॉफिट्स के अलावा जो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें यहाँ पे एनालिसिस करनी है। तो देखिएगा, किसी भी बैंकिंग सेक्टर का एनालिसिस करने से पहले जो है कुछ चीजें आपको जाननी चाहिए कि देखिएगा, जो बैंक का बिजनेस है वो वास्तव में पब्लिक से लोन लेना, यानी कि डिपॉजिट्स लेना, और बाकी दूसरी जगह से लोन इकट्ठा करना, और उस पैसे को जो है रिटेल या कॉरपोरेट्स या बाकी जो लोग हैं उनको जो है लोन के रूप में देना। तो सस्ते रेट पर पैसा इकट्ठा करना और ज्यादा रेट के ऊपर लोन देना जो है ये इनका मेन पर्पज होता है। इसके अलावा ये कुछ फीस बेस्ड इनकम भी करते हैं, क्योंकि इनके पास बैंकिंग लाइसेंस होते हैं, तो ये कुछ और जो सर्विसेज जो कमर्शियल बैंक्स को अलाउड होती हैं वो सर्विसेज भी ये देते हैं। तो सीधी सी बात ये, यहाँ पे जो शेयर कैपिटल होती है, तो शेयर कैपिटल जो पूरी बैंक की जो डिपॉजिट्स होती हैं उसका बहुत छोटा हिस्सा होता है, यानी कि जो डिपॉजिट्स होते हैं तो शेयर होल्डर्स जो डिपॉजिटर्स के पैसे के ऊपर जो है प्ले करते हैं। लेकिन ऐसे बिजनेस के अंदर एक सबसे बड़ा जो रिस्क होता है वो ये होता है कि जो इन्होंने लोन दिए हुए हैं अगर वो डूब जाएं तो वहां पर जो है शेयर होल्डर्स को जो है काफी ज्यादा नुकसान होने की संभावना रहती है। तो सिंपल सी बात यहाँ पर यह है कि जब हम इस चीजों का एनालिसिस करेंगे तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और इसके अलावा एक और रेशियो होती है जिसको हम बोलते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कि बैंक के पास पर्याप्त मात्रा में कैपिटल है या नहीं है। तो कम से कम बैंकों के पास 10% से ऊपर की कैपिटल होनी चाहिए जिससे कि वो बैंक ग्रो कर सके। तो जो कैपिटल होती है, जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होती है, ये बैंक की वास्तव में ग्रोथ करने की जो पोटेंशियल है उसको बताती है। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जितनी ज्यादा हो उतना अच्छा होता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा भी जो है होगी तो ज्यादा अच्छा नहीं है। इसका मतलब है कि बैंक उसको अपने बिजनेस में यूज नहीं कर पा रहा है। तो करीबन 15-20% के बीच की अगर ये रेशियोज रहती हैं तो ये अच्छी रेशियोज मानी जाती हैं, 15-20% के बीच में। हालांकि जो नॉर्मली जो है आरबीआई जो है इसके बारे में गाइडलाइंस देता रहता है, तो वो जनरली 10% के आसपास जो है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मानी जाती है। तो सिंपल सी बात यहां पर ये है कि इसके अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर जो है क्या देखने को मिल रहा है कि क्वार्टरली रिजल्ट्स जो है अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करें, यानी कि पिछले क्वार्टर्स के मुकाबले में इस क्वार्टर में, तो जो इंटरेस्ट की इनकम है वो आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। तो जो इंटरेस्ट की इनकम है वो आपको बढ़ती हुई नजर आएगी, और उसका बढ़ने का जो मेन रीजन है वो वास्तव में बिजनेस के अंदर जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है उसकी वजह से इन्होंने ये इनकम बढ़ाई है। तो अगर इनकम देखेंगे, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट वाली जो इनकम है वो इंप्रूव होके आई है, लेकिन इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट जो है इनकी रिड्यूस होके आई है। इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद आरबीआई वो बढ़ के आया है। इसका मतलब ये है कि ये जो पैसा इंटरेस्ट ऑन आरबीआई आया था पिछले क्वार्टर में 2973 था, उसके मुकाबले में इस क्वार्टर में 5151, यानी कि बहुत सारा पैसा इन्होंने आरबीआई के पास रख रखा है, यानी कि डबल पैसा इन्होंने आरबीआई के पास रख रखा है बजाय कि लोगों को लोन देने के। अदर्स के अंदर जो है वो भी इनकम जो है आपकी इंटरेस्ट बढ़ के आई है। तो देखिएगा, यहाँ पे इंटरेस्ट का जो इनकम है अगर आप वो देखेंगे तो पिछली बार जो है 29 करोड़ थी और इस बार जो है 51 करोड़ से। तो बहुत सारा पैसा जो है इन्होंने आरबीआई के पास पार्क कर रखा है, वहां से इन्होंने इनकम जनरेट की है। तो यहाँ पे देखिएगा, जो टोटल इनकम है अगर पिछले क्वार्टर के मुकाबले में बात करें तो जो है करीबन करीबन जो है 5% के आसपास की जो है ग्रोथ जो है देखने के लिए मिली टोटल इनकम में। और इसी तरीके से जो इंटरेस्ट एक्सपेंड किए हैं वो इन्होंने कम पे किए हैं पिछले साल के मुकाबले में, पिछले क्वार्टर के मुकाबले में। तो ये जो है काफी अच्छा लगेगा आपको कि इंटरेस्ट कम दी और इंटरेस्ट की इनकम ज्यादा आई। तो सिंपल सी बात ही है, इसके अलावा जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं
वो जो है बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो जनरली ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर जब बैंक एक्सपेंड करता है तो वो बढ़ते ही रहते हैं, तो यहाँ पर भी बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है मोर और लेस पिछले क्वार्टर के बराबर ही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है बिफोर प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज वो जो है म्यूटेड है, यानी कि थोड़े से बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो वहां पर भी जो है कोई बहुत ज्यादा जो है तेजी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। अब जो असली कंसर्न है वो यहाँ पर ध्यान समझिएगा, जो बैड लोन से संबंधित प्रोविजंस है, तो जिसको हम बैड डेट्स बोल सकते हैं या एनपीए के जो प्रोविजंस हैं, हालांकि इसमें परफॉर्मिंग असेट्स के प्रोविजंस भी होते हैं, तो प्रोविजंस देखिएगा डबल से भी ज्यादा हो गए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो असेट्स क्वालिटी है बैंक की, जिसके ऊपर मार्केट डाउट कर रही थी, तो जो असेट्स क्वालिटी है उस पर कंसर्न बनते हुए नजर आ रहे हैं, और जिसकी वजह से इनके जो प्रॉफिट्स हैं वो भी कम हो गए। तो ये जो मार्केट का कंसर्न था उसी तरीके के कंसर्न है। हालांकि इसमें से कुछ प्रोविजन जो है कोविड-19 की वजह से भी हुआ है, और कुछ मोरेटोरियम के अंदर जो लोन्स गए हैं तो मोरेटोरियम के लोन की वजह से भी कुछ प्रोविजन है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो असेट्स क्वालिटी जो है काफी खराब होती हुई नजर आई है। और जिस तरीके के प्रोविजन देखने के लिए मिले हैं, तो ये सारा का सारा जो है सत्यानाशी है जिसने पूरे के पूरे प्रॉफिट को खत्म कर दिया, और यही मार्केट का डर था, और मार्केट का डर जो है सही निकला। अगर आप ईयर ऑन ईयर भी बात करेंगे तो पिछले साल के मुकाबले में पूरे साल के दौरान में अगर आप बात करेंगे तो 1.5 गुना नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हो गए, यानी कि बैड लोन्स 1.5 गुना हो गए। और इसकी वजह से जो प्रॉफिट्स थे जो 1702 करोड़ रुपए के थे, वो 395 करोड़ के प्रॉफिट्स थे बिफोर टैक्स, और टैक्स में जो है 94 करोड़ चले गए, तो 301 करोड़, और अगर आप जो है राउंड ऑफ कर दे तो 302 करोड़ रुपए के प्रॉफिट हुए हैं, जो पिछले क्वार्टर के अंदर 1300 करोड़ रुपए के प्रॉफिट थे। तो आप यहाँ पे देखिएगा जो शेयर प्राइस है उसी ही डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो 1300 से 302 करोड़। तो यानी कि अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट की भी बात करेंगे तो प्रॉफिट भी जो है 70% के आसपास गिर चुके हैं, जैसे कि शेयर प्राइस गिरा हुआ है। तो सिंपल सी बात यहाँ पर है, ये जो असेट्स क्वालिटी के जो कंसर्न्स हैं बैंक के ऊपर वो जो है बने हुए हैं, और उसकी वजह से जो है प्रॉफिट यहाँ पर कम होता हुआ आपको नजर आया है। अब बात यह है कि यहां पर ये जो प्रॉफिट्स आए हैं कम होते हुए, तो पिछले क्वार्टर में जहां पर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 1.392 थी, वहां पर कैपिटल जो है इनके पास पर्याप्त मात्रा में, जैसा आप देख भी पा रहे हैं इन्होंने बहुत सारा पैसा आरबीआई के पास भी पार्क कर रखा है। तो अगर आरबीआई के पास आप पार्क करते हैं तो जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की जो कैलकुलेशन है वो अपने आप बढ़ जाती है। अगर आपका पैसा सेफ जगह पर रखा हुआ होता है तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बढ़ जाती है। लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि जो लोन इन्होंने पहले बांटे हुए हैं उनके अंदर जो बैड डेट्स है उसकी जो संभावना है वो बढ़ती जा रही है। इसीलिए आप देखिएगा ईपीएस जहां पर 18.76 का था पिछले क्वार्टर में, वो घटकर 4.35 हो गया। तो ईपीएस जिस तरीके से डिटोरिएट हुई है, तो आप ईपीएस भी देखिएगा तो करीबन 70% से ज्यादा की जो ईपीएस है वो आपकी गिर गई है। तो 70% से ज्यादा की ईपीएस गिरी है, तो आप ये समझिएगा कि शेयर प्राइस इसीलिए जो है पहले ही मार्केट ने इस चीज को भाप लिया था और शेयर प्राइस जो है इसी तरीके से जो है गिरे थे। हालांकि आज शेयर प्राइस जो है बैंक निफ्टी के अंदर जो बढ़ने वाले शेयर्स के अंदर दिग्गज शेयर्स था आज ये जो सबसे ज्यादा बढ़ रहा था। अब बात करते हैं असेट्स क्वालिटी की, तो देखिएगा प्रॉफिट के फ्रंट पे जो है खराब रिजल्ट है, लेकिन सीधी सी बात क्यों, क्योंकि शेयर के प्राइस भी गिर चुके हैं, तो इसका मतलब है मार्केट उसको ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुकी है। अब देखिएगा थोड़ा बहुत डिस्काउंट और भी कर सकती है नीचे की तरफ भी, और हो सकता है थोड़ी एडजस्टमेंट ऊपर की तरफ भी कर ले। तो यहां पर जो है हमें ऐसा लगता है कि रिजल्ट्स में कुछ ऐसा नहीं है। अगर हम इसकी वैल्यूएशन भी करें तो अगर हम 4.35 रुपीज की ईपीएस मान के चलें अगले क्वार्टर में भी, और असेट्स क्वालिटी पर कंसर्न अभी भी बने हुए हैं कोविड-19 की प्रॉब्लम की वजह से भी, तब भी आप अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो करीबन 19 रुपीज की ईपीएस आएगी। अगर आप 19 रुपीज की ईपीएस को भी अगर मल्टीप्लाई करें 20 की पी रेशियो देखें तो शेयर प्राइस 380 बनता है। और सिंपल सी बात है, जब आपकी पी रेशियो घट रही है, यानी कि जब आपके प्रॉफिट्स घट रहे हैं, तो आपको इतनी बड़ी जो है पी रेशियो जो है जस्टिफाई नहीं होती है, और जब आपकी असेट्स क्वालिटी में कंसर्न्स होते हैं तो हो सकता है कि जो शेयर प्राइस है कल जो है रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट जो है पॉजिटिवली तो चांसेस कम लग रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि अगर कुछ चीज़ें जो हैं जो यहाँ पे क्लियर हुई हैं जो मार्केट को नहीं पता थी, अगर मार्केट उन चीज़ों से अगर खुश होगा तो जो है थोड़ा पॉजिटिव भी आप उसमें देख सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ पॉजिटिव जो है दिख नहीं रहा है। जो कंसर्न्स हैं वो जस के तस जो है बने हुए हैं। इन्होंने हालांकि कुछ प्रोविजंस बनाए हैं देखिएगा, और एक सबसे खास बात और भी मैं आपके साथ बात करूंगा कि इनकी बैलेंस शीट में एक ऐसा लॉस था जो इनको पीछे मिला था, जिसको ये धीरे धीरे करके राइट ऑफ कर रहे हैं। यानी कि जो इन्होंने लॉस हुआ था उन्होंने कुछ हिस्सा तो बैलेंस शीट में डाल दिया था, और कुछ हिस्सा
क्या किया था इन्होंने कि प्रॉफिट एंड लॉस में कम कर दिया था। तो सिंपल सी बात यह कि जो लॉसेज इस तरीके के थे इनके पास, वो लॉसेज इनके P&L में नहीं आए। जैसे कि अगर आप पॉइंट नंबर 9 को देखेंगे तो आपको बात समझ में आएगा, इन अकॉर्डिंग टू क्लैरिफिकेशन विद द RBI रिगार्डिंग डेब्ट एसेट स्वैप ट्रांजेक्शन, ए प्रोविजन ऑफ 54.3 करोड़ वॉज मेड फॉर द क्वार्टर एंडेड 31st मार्च बाय डेब्टिंग रिजर्व एंड सरप्लस इन द बैलेंस शीट विच वॉज टू बी रिवर्स्ड बाय द डेब्टिंग प्रॉफिट ऑफ द नेक्स्ट 3 quarters। तो अगले 3 quarters के अंदर उसको जो है धीरे धीरे करके आपको राइट ऑफ करना था। अकॉर्डिंग टू अमाउंट 54.3 वाज हैज बीन डेबिटेड ड्यूरिंग द ईयर मार्च 2020। तो ये पैसा जो P&L में डलना था, इन्होंने जो है RBI की परमिशन की वजह से इन्होंने क्या किया, बैलेंस शीट में असेट्स में से माइनस कर दिया, सॉरी रिजर्व एंड सरप्लस में से माइनस कर दिया बजाय के प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाने के। तो उसको 4 किस्तों में धीरे धीरे करके, यानी कि कुछ ऐसा लॉस है जो इन्होंने बैलेंस शीट में तो दिखा रखा है लेकिन P&L में नहीं दिखा रखा। तो आप ये मान के चलिएगा कि उसकी 2 किस्तें तो पूरी हो चुकी हैं और अभी 2 किस्तें जो है 54.33 करोड़ की जो 2 किस्तें हैं, अगले जो 2 financials आएंगे उसके अंदर भी वो शो की जाएंगी। तो देखिएगा, ड्यूरिंग द क्वार्टर 31st दिसंबर बैंक रिकॉग्नाइज एक्सपोजर टू एंटिटीज ऑफ 96.89 करोड़ एज ए फ्रॉड। ये फ्रॉड का लॉस हुआ था इनको जो है December 31, 2019 में, एंड प्रोवाइडेड इन फुल अकॉर्डेंस विद द RBI गाइडलाइंस, और RBI के हिसाब से हमने उसको प्रोवाइड किया था बाय डेबिटिंग 240.2 करोड़ टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये तो P&L में डाल दिया था, जो बाकी बच गया था वो प्रॉफिट एंड लॉस में EPS नहीं कम करके दिखाई दी, बाकी का ये पैसा था 720 करोड़ रुपए ये इन्होंने रिजर्व एंड सरप्लस में से माइनस कर दिया था। यानी कि इससे EPS नहीं घटी, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आया 720 करोड़ का लॉस। और ये जो 720 करोड़ का लॉस था, इन अकॉर्डेंस विद द RBI सर्कुलर प्रॉफिट एंड लॉस टू 240.22 करोड़, तो यानी कि ये 240.22 करोड़ का जो लॉस है ये जो है इन्होंने मार्च एंड के क्वार्टर में दिखाया है, एंड टोटल अमाउंट 480 करोड़ ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो इसमें से 240.22 के 2 जो लोन्स हैं वो यानी कि जो है ये आप राइट ऑफ कर चुके हैं अभी। अभी अगले क्वार्टर में भी आपको 240.22 करोड़ के जो लॉस है वो अगले साल आपको होने ही होने, यानी कि अगले क्वार्टर में जो फर्स्ट क्वार्टर है उसके अंदर भी 240.22 करोड़ का जो लॉस है जो बैलेंस शीट में बचा हुआ है वो इनको राइट ऑफ करना है। तो सिंपल सी बात यहां है कि जो असेट्स क्वालिटी है उस पर जो कंसर्न है वो बने हुए हैं। बाकी अगर आप रिजल्ट की बात करेंगे तो जो पूरा प्रॉफिट है वो प्रोविजन की वजह से साफ हुआ है, यानी कि जो प्रोविजन थे प्रोविजंस पूरे के पूरे प्रॉफिट को खा गए। अब दूसरी तरफ अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि जो ग्रोस एनपीए की फिगर है, ग्रोस एनपीए यानी कि जितना पैसा आपका डूबा है प्रोविजन से पहले, तो जो 2.45 था, जो पिछले बार 2.18 था उससे पहले 2.1 था। तो आप यहाँ देखिएगा जो 2.45 है ग्रोस एनपीए, यानी कि जो असेट्स क्वालिटी है वो खराब होती जा रही है, यानी कि इनकी बैलेंस शीट में कुछ ऐसे लोन है जहां पर कि इनको दिक्कतें हैं। हालांकि इन्होंने ज्यादा से ज्यादा प्रोविजन बनाने की कोशिश की है, इसलिए जो नेट NPM 0.91 है, तो इन्होंने ज्यादा प्रोविजंस बना लिया है। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि एक प्रोविजन जो मैंने अभी आपको बताया 240 करोड़ रुपीस वाला, वो अभी अगले क्वार्टर में फिर दोबारा से आएगा, क्योंकि वो पहले का लॉस हुए हैं जो अभी तक दिखाए नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, वो बैलेंस शीट में दिखा चुके हैं। तो ये एक अकाउंटिंग एडजस्टमेंट है। तो सिंपल सी बात यहां पर ये देखेंगे तो ये जो असेट्स क्वालिटी जो खराब हुई है, जिन वैल्यूएशंस पर ये शेयर जो है ट्रेड कर रहा है उसके हिसाब से हमें लगता है कि जो शेयर प्राइस है वो जस्टिफाई है अभी जिन प्राइसेस के आसपास है, तो हमें नहीं लग रहा कि बहुत ऊपर की जो है तेजी बनती हुई नजर आएगी, बल्कि थोड़ी बहुत करेक्शंस हो सकती है 5-7-10% की, और ये भी हो सकता है कि 2-4-5% जो शेयर्स हैं क्योंकि जो ब्रांच का एक्सपेंशन इनके पास हुआ है उसकी वजह से जो है ये पॉजिटिव ले सकते हैं। तो ये सारी बातें जो है मैंने आपके साथ बात की। इसके अलावा जो इनका बिजनेस जो है उसमें जो सेगमेंट की बात करें तो किस सेगमेंट से कैसे इन्होंने प्रॉफिट कमाया वो देखिएगा। तो इन्होंने जो अपना जो सेगमेंट है अगर आप इसमें देखेंगे तो ये जो होलसेल बैंकिंग का जो सेगमेंट था इसको इन्होंने रिड्यूस किया, हालांकि पिछले साल के मुकाबले में भी होलसेल बैंक यानी कि जो कॉरपोरेट्स को जो लोन देते हैं, कंपनी को जो लोन देते हैं, तो ये एक जो कंसर्न है ये बना हुआ है मार्केट के अंदर। तो ये जो लोन है इनके, तो यहाँ पर जो कंसर्न है वो बना हुआ है मार्केट में, क्योंकि अगर COVID-19 की प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पर अगर किसी भी तरीके के लॉस होते हैं तो ये जो है यहाँ पर इनको प्रॉफिट्स हुए हैं 815 के, पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा है। रिटेल में प्रॉफिट है 179.1794 करोड़ के, तो जो पिछले क्वार्टर से ज़्यादा है और पिछले साल से भी ज़्यादा है। तो ये जो दो तरीके, तीसरा है ट्रेजरी इनकम, तो ट्रेजरी इनकम तो बढ़नी थी, मैंने आपको बताया कि ये तो पैसा ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अभी लोन तो बांट ही नहीं रहे, तो इसलिए जो इंटरेस्ट की जो इनकम है, जो ट्रेजरी इनकम है, इसका मतलब जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट रखी हुई है उसके ऊपर जो इनकम है, यानी जो ट्रेजरी या आरबीआई के पास या जो SLR के लिए स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो के लिए जो इन्होंने पैसा रखा उसकी इनकम है ये।
तो अब यहां पे ध्यान से समझने वाली बात यह है कि ये तो इनकी प्रॉफिट्स हो गए, अब इसमें इन्होंने कितना पैसा बांट रखा है, यानी कि यहां पर कितना पैसा इन्होंने बांट रखा है, यानी कि रेवेन्यूज तो ठीक है, आपने इन यहां पे पैसा कितना बांट रखा है, इनकी असेट्स कितनी है। तो आप देखिएगा कि यहां पर इन्होंने 72,022 करोड़ रुपए तो ट्रेजरी यानी कि इन्वेस्टमेंट के रूप में रखे हुए हैं, उसके बाद जो है 90,657 करोड़ रुपए जो है कंपनियों को लोन दिया हुआ है या होलसेल बैंकिंग में जो लोन दिया हुआ है। रिटेल के अंदर जो है इन्होंने लोन जो है अभी पिछले साल के मुकाबले बढ़ा लिया, यानी कि पिछले क्वार्टर जैसा ही है, तो 129,072 यानी कि 1,29,072 करोड़ रुपए के जो लोन है वो इन्होंने रिटेल सेगमेंट में दिए हुए हैं। तो ये जो कॉर्पोरेट का लोन है ये हालांकि पिछले साल से ज्यादा है लेकिन पिछले क्वार्टर से कम है, और ये सेम है रिटेल में। तो ये जो कॉर्पोरेट का लोन है ये वास्तव में कॉज ऑफ कंसर्न है। तो ये जो 90,000 करोड़ के लोन है, अगर इसमें से जो है मार्केट को डाउट है कि इसमें से भी और बैड डेट्स हो सकते हैं और COVID-19 की प्रॉब्लम की वजह से जो है इसमें और जो है अच्छे खासे जो है लॉस होने की उम्मीद जो है मार्केट के जो एक्सपर्ट्स लोग हैं वो जता रहे हैं, जिसकी वजह से जो बैंकिंग शेयर्स है उनके अंदर जो है प्रेशर जो है अभी भी बना हुआ है। हालांकि बैंक जो अपने जो ऊपर के जो शेयर प्राइजेस थे 12,000 से ऊपर जब निफ्टी था तो वहां से काफी करेक्ट हो चुके हैं और उसी कड़ी के अंदर जो है रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। तो रिजल्ट जो है वो इस बात को बता रहे हैं कि मार्केट ने जो किया वो ठीक किया है, यानी कि मार्केट ने वो पहले ही करेक्ट कर दिए हैं, और हो सकता है कि ये पेन अभी अगले क्वार्टर्स में दिखे। तो अभी बैंकिंग जो सेक्टर्स हैं वो पूरा सेक्टर जो है अभी प्रेशर में जो है वो काम कर रहा है, और आप लोग जानते भी हैं कि बैंकिंग सेक्टर जो है वो अंडर परफॉर्मर भी जो है रहा है, और बहुत सारे जो बड़े FIs थे वो इंडिया के जो है प्राइवेट सेक्टर बैंक में इन्वेस्टेड थे, तो इसका मतलब है जो ज़्यादातर माल जो है वो उन्हीं के द्वारा जो है सेल किया गया है। तो क्योंकि रिटेल का जो पोर्शन था इन बड़े बैंकों के अंदर, चाहे HDFC की बात करें, चाहे कोटक के अंदर बात करें, चाहे इंडसइंड के अंदर बात करें, तो यहाँ पर जो है FIs का बहुत बड़ा पोर्शन जो था वो इनके पास था। और इसी तरीके से अगर हम इनकी हाईलाइट्स को देखें तो जो बिजनेस थे ये स्टेबल बता रहे हैं, रेवेन्यू ग्रोथ किस तरीके की हुई है, ग्रोस NPA 2.45 है जो मैंने भी आपके साथ डिस्कस किया, और प्रोविजन जो है इन्होंने 63% जो है बना लिए हैं। ये कह रहे हैं कि जितना भी हमारा जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है उस पर 63% की जो है प्रोविजन सामान्य को बना ली, इसको प्रोविजन कवरेज रेशियो बोलते हैं। तो प्रोविजन कवरेज रेशियो बता रहे हैं कि 63% में, फिर ये अपनी रिपोर्ट में बता रहे हैं कि 23% के रेवेन्यू ग्रोथ किए इन्होंने 17 से 20 के बीच में। इसी तरीके से अगर डिपॉजिट की बात करें तो वो भी 17% की ग्रोथ है, CAGR भी जो है 19% की ग्रोथ है, CAGR अगर एडवांसेस के अंदर बात करें तो 22% की है, और शेयर होल्डर का जो बैलेंस शीट के अंदर नेटवर्थ होती है उसके अंदर भी जो है इन्होंने 19% की जो है ग्रोथ दिखाई है। इसी तरीके से नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो बताते हैं कि हम पहले जो है 3.99% का नेट इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट लेने और देने के बीच का जो गैप होता था वो 3.99 था, अब वो 4.25% जो है वो हम अर्न करते हैं, और कॉस्ट जो इनकम है इस 100 रुपये की इनकम पर हम पहले 46.74 खर्च करते थे, अब 100 रुपये की इनकम पर हम 43.04 रुपीज़ खर्च करते हैं। तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर भी जो है हमारा खर्चा जो है इनकम के मुकाबले में कम होता जा रहा है। ब्रांचेस 1200 थी, अब वो 1911 है, हालांकि इसमें जो भारत इंक्लूजन, जो भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन, उसकी वजह से भी कुछ ब्रांचेज यहाँ पे इंप्रूव होती हुई नजर आई हैं, और क्लाइंट्स जो हैं वो 9.5 मिलियन से जो है 25 मिलियन बढ़ते हुए आए हैं। प्रॉफिट जो बता रहे हैं 2017 से जो है ये प्रॉफिट्स 4458 करोड़ जो है बढ़ते आए हैं। हालांकि देखिएगा अगर आप इसके शेयर प्राइस को भी देखेंगे तो इससे ज़्यादा जो है शेयर प्राइस अभी भी गिरने के बाद भी जो है इस रेंज में बढ़ चुका है ऑलरेडी। नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, इंटरेस्ट लेने और देने के बीच का जो था वो बता रहे हैं कि अभी जो Q4 के अंदर हम 4.25 का जो है इंटरेस्ट मार्जिन है, जो हमारी असेट्स है उसके ऊपर जो रिटर्न्स हैं वो हमारी Q4 के अंदर 0.42 है। तो आप देखिएगा असेट्स कम, सबसे कम आई हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी लोअर साइड पर आई है Q4 के अंदर। और इसी तरीके से अगर आप बोलेंगे कि जो है कॉस्ट इनकम रेशियोज़ के बारे में हम बात कर चुके हैं, तो कॉस्ट इनकम रेशियो हमारी जो है कम होती हुई नज़र आ रही है। अब यहाँ पे लोन बुक के अंदर बात करते हैं, तो जो लोन है जो इन्होंने लोन दिए हुए हैं उसके अंदर जो लोन्स हैं वो देखिएगा, कमर्शियल व्हीकल्स को जो लोन दिए हुए वो 12% ऑफ द लोन बुक है, उसी तरीके से स्मॉल व्हीकल्स के लिए 2% है, यूटिलिटी व्हीकल्स के अंदर 2% है, टू व्हीलर्स के लिए 3% है, कार लोन 4% है, ट्रैक्टर के लिए 2% है, इक्विपमेंट फाइनेंसिंग के लिए 4% है, नॉन व्हीकल्स के लिए बिजनेस बैंकिंग के 6% लोन है, लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी 5% है, क्रेडिट कार्ड पे 2% का लोन है, और जो माइक्रो फाइनेंस के अंदर जो लोन है वो 12% के हैं। तो ये जो माइक्रो फाइनेंस वाले जो लोन है इस पे जो है मार्केट को डाउट है सबसे ज़्यादा 232 करोड़, और एक जो कॉर्पोरेट लोन्स है उनके ऊपर जो है डाउट है मार्केट को। तो ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई ये वास्तव में
इस बैंक के बारे में आपको बहुत सारी चीजें पता चली होंगी। तो किसी भी तरीके का जो इन्वेस्टमेंट का आपका जो भी नजरिया हो वो आप अपने विवेक से लीजिएगा और फर्दर स्टडी करिएगा और उसके बाद जो है एक कंक्लूजन पे निकलिएगा। मुझे जो रिजल्ट्स हैं वो म्यूटेड रिजल्ट्स लगते हैं, कोई बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं है ना खराब रिजल्ट है, बस कंसर्न जो है असेट्स क्वालिटी की तरफ है। और आगे जो भी अगले क्वार्टर में एक जो प्रोविजंस इन्होंने राइट करना है, राइट ऑफ करना है पीएनएल के अंदर, वो एक कॉज ऑफ कंसर्न है। और दूसरी बात क्या है कि आगे किस तरीके से जो है इनकी नॉन परफॉर्मिंग असेट्स के ऊपर जो कंसर्न है अगर वो खत्म होते हैं तो बैंक जो है अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो जो कॉज ऑफ कंसर्न है वो सीधा सीधा जो है असेट्स क्वालिटी से रिलेटेड है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी अगर बात करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर प्रोविजंस अच्छे हैं सब तरीके से, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि असेट्स क्वालिटी से संबंधित है। तो आगे आने वाले समय के अंदर जो है अभी एक या दो क्वार्टर के रिजल्ट्स देखने के बाद जो है ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कम से कम अगले क्वार्टर में देखने के बाद ये पता चल पाएगा कि किस तरीके की जो है परफॉर्मेंस इनकी निकल कर आती है। हालांकि COVID-19 की वजह से जो प्रोविजन है वो अगले क्वार्टर में भी नहीं बनाने, क्योंकि मोटेरियम पीरियड्स के अंदर जो है ये नॉन परफॉर्मिंग असेट्स उनको डिक्लेयर नहीं करेंगे। तो बेसिकली जो बैंकों की परफॉर्मेंस किस तरीके की होगी वो सेप्टेम्बर क्वार्टर में आपको पता चलेगी। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।